नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रेज योर चॉइस में। आज मैं आपको अपनी मेकअप एसेंशियल दिखा देती हूँ, जो कि मैं बहुत ही कम मेकअप करती हूँ। तो उस हिसाब से अगर आप बिगनर हो या आप बहुत कम मेकअप पसंद करते हो, तो ये सब चीज़ें आपको पसंद आएंगी। चलें स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट मैं मॉइस्चराइजर से स्टार्ट करूँगी। क्लेंजर तो हाँ, ऑफ कोर्स पता ही है कि आपको फेस क्लेंजर करना है, फेस क्लीन करना है। फिर आप फेस क्लीन करने के बाद आप अपना चॉइस का कैसा भी अपना जो आपको पसंद है, बट आप मॉइस्चराइज ज़रूर करिए अपने फेस को। तो ये नायका का 24 कैरेट गोल्ड फेशियल ऑयल है। मैं और भी बहुत सारे इसके प्रोमोग्रेनेट के ऑयल भी यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो आपके अकॉर्डिंग जो आपके स्किन को सूट होता हो या जो आपको पसंद, वो ऑयल या मॉइस्चराइजर क्रीम, आप दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हो। कोई सा भी चाहिए चाहिए, दोनों नहीं यूज़ करिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा स्किन। तो एक ही चीज़ आप इसको ट्राई करें। ये फर्स्ट चीज़ है, फर्स्ट चीज़ है मॉइस्चराइज जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप नहीं करती हूँ, मैं बहुत नॉर्मल डे वेयर या पार्टी में भी जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल मेकअप करती हूँ। ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर। ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो मैं जेल वाला नहीं यूज़ करती हूँ, मैं क्रीम वाला यूज़ करती हूँ। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। डे टाइम में तो अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है तो आप इसको लगा लो, और सीसी क्रीम लगा लो तो आपका काम हो जाता है, मतलब आपको बेस का ज़रूरत नहीं है और इतना ज़्यादा। बट नाइट टाइम में आपको थोड़ा सा हैवी मेकअप करना रहता है मैरिज वैरिज में जाने के लिए। तो ये बेस है, इसको आप ल्यूमी क्रीम से भी मिक्स करके लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा है दोनों का इफेक्ट। इसकी शाइन बहुत अच्छी है ल्यूमी क्रीम की, वो और भी बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं तो आप उसको भी मिक्स कर सकते हैं, बहुत लिटिल अमाउंट में लीजिए। ये बहुत ग्लिटरी है, थोड़े अमाउंट पे लगाएंगे तो ठीक है। एक्चुअली मॉइस्चराइजर का भी काम करता है और ये ल्यूमी क्रीम का भी काम करता है। तो ये लैक्मे का ल्यूमी क्रीम और ये प्राइमर नेक्स्ट चीज़ है। और सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए आप पफ भी ले सकते हैं, या तो आप ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग। और बहुत से लोग हाथ भी यूज़ करते हैं फेस में, आप जिससे भी कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से मेकअप करें। नॉर्मल मेकअप, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप। और लिप्स को अपने ज़रूर मॉइस्चराइज करें, चाहे आप लिपस्टिक लगाएं नहीं लगाएं, सिर्फ टिंट करें तो भी आप लिप्स को मॉइस्चराइज ज़रूर करें। नेक्स्ट जो है वो है एक्चुअली समय मेरा कंसीलर फिनिश हो गया है, तो मैं ज़रूर उसको मंगाऊंगी और उसकी वीडियो बनाऊंगी, बट इस समय कंसीलर फिनिश है मेरा। तो ये मेकअप रेवोल्यूशन लंदन का ये फाउंडेशन स्टिक है, शेड नंबर है F6। ये बहुत क्रीमी टेक्सचर है इसका, बहुत ज़्यादा क्रीमी, और बहुत थोड़े अमाउंट में मैं लगाती हूँ। मुझे वो वाइट वाइट फेस कर देना अजीब सा लगता है, मतलब आपका नेचुरल कलर हो, बस हल्का सा क्लीन दिखे, बस वही चाहिए मेकअप का। मतलब आपकी नेचुरल ग्लो ही मेकअप है आपका, तो आप वैसे ही सुंदर लगें तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये मेकअप रेवोल्यूशन का फाउंडेशन स्टिक, ये जब मैं शादी में या फंक्शंस में जाती हूँ तभी, जब हैवी मेकअप थोड़ा बहुत लगता है तभी चाहिए रहता है, अदरवाइज मैं फाउंडेशन जल्दी यूज़ नहीं करती, सीसी क्रीम से काम चल जाता है। तो ये सो इससे भी लगा सकते हैं।
हाथ पे आप लगाओ तो आपको अलग इफेक्ट आता है, और फेस में लगाने का अलग इफेक्ट होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी फेस की स्किन इज डिफरेंट, तो हाथ में लगाने का उतना पता नहीं चलता है, फेस में लगाने का अलग इफेक्ट है। तो ये, और फिर सीसी क्रीम, आप फाउंडेशन अगर यूज़ नहीं करना चाहते, आपको एक नेचुरल लुक चाहिए, तो आप सीसी क्रीम यूज़ करें। नॉर्मली मैं फाउंडेशन बहुत रेयरली कभी यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं सीसी क्रीम ही यूज़ करती हूँ। इससे आपके जो फेस है ना वो क्लीन दिखता है, मतलब पता चलता है कि आपने मेकअप नहीं किया है, ये आपकी नेचुरल स्किन है। तो वो इफेक्ट है, ये मुझे बहुत पसंद है। बीच कलर है मेरा 01 शेड नंबर। तो ये नेक्स्ट जो है वो बनाना पाउडर, ये भी मेकअप रेवोल्यूशन का बनाना पाउडर है। मेकअप रेवोल्यूशन का मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं उसको मोस्ट ऑफ द टाइम उसको बाय करती हूँ। ये पाउडर है, बनाना पाउडर। नेक्स्ट जो है वो लैक्मे का 9 to 5 फेस पाउडर, प्राइमर मैट पाउडर एंड फाउंडेशन। माय शेड नेम इज व्हाट इज माय शेड नेम, एक मिनट, आइवरी क्रीम 01 इज माय शेड नेम। ओके, तो ये मेरा शेड है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है आई आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए तो आपको बनाना पाउडर भी लगता है, और आपको काजल भी लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ये आईब्रो के लिए ब्रश और आईब्रो पेंसिल भी है मेरे पास। यस, ये ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल बहुत अच्छी है। सॉरी, इधर से होता है, देखिए बहुत ही नेचुरल आईब्रो शेड होता है इसमें। ये मैंने ब्लैक लिया है क्योंकि मेरी आईब्रो ब्लैक है। ये इधर इसका ब्रश भी है। इधर पेन आईब्रो शेड करने के लिए। बहुत लाइट मेकअप के लिए मैं बता रही हूँ आपको मेकअप चीज़ें। ये रेवलॉन की काजल, ये भी अच्छा काजल है, पर मुझे कलर बार वाला काजल ज़्यादा पसंद है। और ये कलर बार का आई लाइनर, ये बहुत अच्छा शेड है, ब्लैक ही है बट बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इसका मैंने वीडियो बनाया है आई थिंक। ये आई मेकअप में आपको, और मेकअप रेवोल्यूशन का अगेन मैंने आई शेडो पैलेट लिया है। मैं आई शेडो ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बहुत थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, तो उस हिसाब से मैंने आई शेडो लिया है। 3 शिमरी है और बाकी नॉर्मल शेड्स। ये आई शेडो पैलेट है। नेक्स्ट मैं मस्कारा भी दिखा देती हूँ। ये भी है कोलोसल का, मेबेलिन न्यूयॉर्क का कोलोसल वाटरप्रूफ काजल है ये। ये भी बहुत अच्छा है, मैंने और भी अदर ब्रांड के ट्राई किए हैं बट ये वाला बहुत अच्छा काजल आई लैशेस को कर देता है, एकदम थिक कर देता है। ये भी बहुत अच्छा है। और अगर आप डे टाइम में जा रहे हो और आपको नहीं चाहिए कि आपका आई लैशेस ब्लैक दिखे और बहुत हैवी दिखे, तो आप ये देखिए ट्रांसपेरेंट आई लैशेस, इसमें ना आई लैशेस बहुत बड़ी भी दिखती है, थिक भी दिखती है,
और उसमें कोई कलर नहीं रहता, तो वो आपकी एकदम नेचुरल सी आईलैशेस दिखती है, जो कि बहुत ही क्यूट लगता है आँख में। मतलब आप ऐसा लगता है कि आपने नेचुरल आपके आईलैशेस हैं, और बहुत ही अच्छा इसमें लुक आता है। तो ये भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये मिस क्लेयर का है, नहीं सॉरी, वेट एंड वाइल्ड का है। ये सारी चीज़ें मैंने नायका से ही बाय की हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हाइलाइटर। ये भी मेकअप रेवोल्यूशन का है। बहुत शिमरी कलर्स हैं, ये देखिए। थोड़ा सा लगा लेंगे आप तो बहुत अच्छा है, इसमें शिमर आएगा। तो ये हाइलाइटर है जो कि बहुत थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए। और जो मेरी फेवरेट पर्सनल फेवरेट चीज़ है वो है टिंट। ये बहुत ही अच्छा टिंट है, एलाना का बीट टिंट। तो मैं ब्लश के लिए ये यूज़ करती हूँ, ब्लश और लिप को टिंट करने के लिए। अदरवाइज मैंने लिपस्टिक के भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप वहाँ से लिपस्टिक भी देख सकते हैं। लिपस्टिक भी मुझे मिष्टी, नायका की जो मिष्टी शेड है और महारानी शेड, वो मेरा फेवरेट है। और गुल, अरे बहुत सारी फेवरेट है, बहुत सारी लिपस्टिक है जो बहुत अच्छी है। तो लिपस्टिक अगर लाते तो और ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो लिपस्टिक का एक अलग वीडियो है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये मैंने चिक टिंट के लिए, चिक और लिप टिंट के लिए ये लिया है। ये मुझे, मैं बाद में लगाती हूँ, मतलब फेस पाउडर लगाने के बाद मैं इस टिंट को लगाती हूँ। तो एक चिक में ना ग्लो सा आता है, और टिंटेड रहता है, पिंक पिंक सा, और लिप भी टिंटेड रहता है। तो ये अगर आप कुछ मेकअप नहीं करना चाहते तो भी ये दोनों तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एकदम नेचुरल लुक आता है, बहुत अच्छा लगता है डे टाइम के लिए। तो ये था मेरा छोटा सा कलेक्शन। तो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।